हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 डिटरमिनेंट का क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखते हैं क्या है। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, हमें इस लेफ्ट हैंड साइड की जो डिटरमिनेंट है इसके सॉल्यूशन को जीरो के इक्वल प्रूव करना है। और साथ में उसने मेंशन किया है विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब इसको एक्सपेंड नहीं करना है जैसे हम एक्सरसाइज 4.1 में करते थे, किसी रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया, किसी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज का यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले देखो हमारे पास यहां पे क्या दे रखा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी हमें डिटरमिनेंट दे रखा है उसको राइट डाउन कर लो। ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, फिर क्या है बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, फिर दे रखा है सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब बच्चों इसको हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। अब पहले तो आपको क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, ये देखना है कि राइट हैंड साइड पे हमें प्रूव किसके करना है, जीरो के इक्वल प्रूव करना है। तो जीरो के इक्वल प्रूव करने के दो तीन मेथड होते हैं, हमारी दो तीन प्रॉपर्टीज हैं। या तो क्या करूं मैं किसी कॉलम को पूरी को जीरो बना दूं या किसी रो को जीरो बना दूं, ये एक तरीका है। दूसरा क्या है, अगर मैं किसी दो कॉलम्स को आइडेंटिकल बना दूं तब भी मैं उसको जीरो कर सकता हूं, कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, ये प्रॉपर्टी है हमारी। अब यहां पे देखो मेरे पास क्या है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ये हमारी कॉलम वन है, कॉलम टू है, कॉलम थ्री है। अगर मैं तीनों कॉलम्स को आपस में एड कर दूं किसी एक जगह पे तो मेरे पास जीरो बन जाएगा। या फिर तीन रोज को, इस रो को, इस रो को और इस रो को, तीनों रोज को ऐड कर दूं तब भी जीरो बन जाएगा। तो दो तरीके के ऑपरेशन नजर आ रहे हैं मेरे, एक तो ऑपरेशन लग रहा है रो पे आर वन गोज टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री कर दूं, या फिर क्या कर दूं किसी कॉलम पे लगा दूं सी वन गोज टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, कोई भी एक ऑपरेशन लगाना है आपको। ठीक है, मैं तो वैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि ये ऑपरेशन लग सकते हैं हमारे। तो मैंने क्या किया, मान लो आर वन का ऑपरेशन लगा दिया, आर वन कौन सी हमारी ये रही, आर टू कौन सी है ये रही, आर थ्री ये रही, मतलब आर वन के ऊपर हमें इनको ऐड कर देना है। तो देखते हैं क्या बनता है हमारे पास यहाँ पे, ये क्या है ए माइनस बी, इसको ऐड करेंगे तो प्लस में बी माइनस सी, फिर प्लस में सी माइनस ए। आर टू रो जो है ये हमारी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी बाकी की। इस पे आ जाओ, अब इसमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो यहां पे क्या आ जाएगा बी माइनस सी प्लस में सी माइनस ए प्लस में ए माइनस बी, इसमें इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा सी माइनस ए प्लस में ए माइनस बी प्लस में बी माइनस सी। सेकेंड और थर्ड रो क्या रहेगी हमारी, सेम रहेगी। सेकेंड रो क्या है, बी माइनस सी है, सी माइनस ए है, ए माइनस बी है, यहां पे c माइनस ए है, a माइनस बी है, b माइनस सी है। ये मैंने लगाया ये वाला ऑपरेशन। अब कॉलम का भी लगा सकते थे, इस कॉलम में इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर दो, यहां पे वैल्यूज आ जाती। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहां पे क्या बनेगा, माइनस बी से प्लस बी कट गया, माइनस सी से प्लस सी, माइनस ए से ए कट गया, तो क्या बन गया ऊपर जीरो। यहां पे भी बी से बी कैंसल, ए से ए कैंसल, सी से सी कैंसल, बन गया जीरो। यहां पे भी सी से सी कैंसल, बी से बी, ए से ए, ये भी बन गया जीरो। नीचे क्या बच गया, बी माइनस सी, सी माइनस ए, ए माइनस बी, सी माइनस ए, ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब ध्यान से देखो ये पूरी की पूरी रो क्या है, जीरो है। आर वन रो इज जीरो सो इट्स इक्वल टू जीरो, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के, क्योंकि पूरी की पूरी रो क्या है, जीरो है। तो हो गया बस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव, ये काम करना था। लिख भी सकते हैं यहां पे ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो वन आर जीरो, दैट्स व्हाई इट्स रिजल्ट इज जीरो। क्लियर हो गया, कॉलम का ऑपरेशन लगा के भी लिख सकते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, कॉलम फर्स्ट जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी, वैसे कर लो। कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग योर चैनल, नेक्स्ट क्लासेज।